नमस्कार, आज के हिंदी समाचार में आप सभी का स्वागत है। सबसे पहले मुख्य समाचार। सेल राउरकेला इस्पात संयंत्र इस्पात उत्पादन के 61वें साल को आनंद और उत्साह के साथ मनाया गया। उमंग भरे भाईचारे भाव से वरिष्ठ अधिकारियों द्वारा क्रिकेट मैच खेला गया। और सेल के कर्मचारियों के लिए सेल पेंशन योजना। अब समाचार विस्तार से। सेल राउरकेला इस्पात संयंत्र RSP के ब्लास्ट फर्नेस पार्वती से पहली हॉट मेटल टैपिंग की 61वीं वर्षगांठ 3 फरवरी 2020 को ब्लास्ट फर्नेस एक पार्वती में आयोजित एक भव्य समारोह में हर्षोल्लास के साथ मनाया गया। RSP के CEO श्री दीपक चट्टराज ने उत्साहित वरिष्ठ अधिकारियों और कर्मचारियों के मध्य आनंदपूर्ण वातावरण में पारंपरिक केक काटा और गुब्बारे छोड़े। CEO के साथ कार्यपालक निदेशक कार्मिक एवं प्रशासन श्री राजवीर सिंह, कार्यपालक निदेशक परियोजनाएं श्री पंकज कुमार, कई मुख्य महाप्रबंधक और प्लांट के अन्य वरिष्ठ अधिकारी और कर्मचारी उपस्थित थे। इस अवसर पर बोलते हुए CEO ने कर्मी समूह को इस स्मरणीय अवसर पर बधाई दी। उन्होंने कहा, हमें अपने ब्लास्ट फर्नेस पार्वती पर गर्व है, जो देश के पहले सार्वजनिक क्षेत्र का ब्लास्ट फर्नेस है। फर्नेस ने अब तक 17 मिलियन टन से अधिक हॉट मेटल का उत्पादन किया है और देश के महत्वपूर्ण बुनियादी परियोजनाओं में योगदान दिया है। इस अवसर पर विभाग के कर्मचारियों द्वारा एक सुरक्षा नाटक दरबार का मंचन भी किया गया। विशेष रूप से 3 फरवरी 1959 देश के इतिहास में एक चिरस्मरणीय दिवस है, जब राउरकेला इस्पात संयंत्र में नव गणतंत्र की पहली ब्लास्ट फर्नेस पार्वती को भारत के राष्ट्रपति डॉ. राजेंद्र प्रसाद द्वारा प्रज्वलित किया गया था। आज इस एकीकृत स्टील प्लांट महारत्न कंपनी स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड सेल की एक इकाई ने स्टील बनाने और उत्पादन करने में 6 दशक पूरे कर लिए हैं, जिससे राष्ट्र की प्रगति और समृद्धि के नव जागरण में मजबूती मिली है। उल्लेखनीय है कि RSP ने अब तक 90 मिलियन टन इस्पात का उत्पादन कर राष्ट्र निर्माण में अपना योगदान दिया है। इस्पात स्टेडियम में 2 फरवरी को वार्षिक कार्यक्रम के तहत वरिष्ठ अधिकारियों का क्रिकेट मैच नीले आकाश और सुनहरी धूप में उमंग भरे भाईचारे भाव के साथ खेला गया। राउरकेला स्टील प्लांट के मुख्य कार्यपालक अधिकारी श्री दीपक चट्टराज, कार्यपालक निदेशक वर्क्स श्री PK दास, कार्यपालक निदेशक सामग्री प्रबंधन श्री DK महापात्र, कार्यपालक निदेशक परियोजनाएं श्री पंकज कुमार और कई मुख्य महाप्रबंधकों ने प्रत्येक पक्ष में 12 ओवर के क्रिकेट मैच में भाग लिया। यह मैच श्री दीपक चट्टराज के नेतृत्व में CEO 11 और श्री PK दास के नेतृत्व में ED 11 के बीच खेला गया। ED 11 ने टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी चुना। दोनों पक्षों के खिलाड़ियों ने बेहतरीन प्रदर्शन किया। मैच में बल्लेबाजी, गेंदबाजी, क्षेत्र रक्षण और कैच के कुछ उत्कृष्ट उदाहरण देखे गए। सहायक महाप्रबंधक ANI श्री फराज अब्बासी और SOST SMS S2 श्री छायाकांत त्रिपाठी अंपायर थे, जबकि SOST SMS S2 श्री मनोरंजन पटनायक स्कोरर थे। महाप्रबंधक जनसंपर्क एवं संचार मुख्य श्री रमेंद्र कुमार और महाप्रबंधक ब्लास्ट फर्नेस श्री अनूप दत्ता द्वारा मैच की कमेंट्री की गई। दीपिका महिला संगति की अध्यक्षा श्रीमती राका चट्टराज और दीपिका महिला संगति की उपाध्यक्षा श्रीमती मीनाक्षी महापात्र इस अवसर पर उपस्थित थी। टीम RSP के एक स्पष्ट विजेता के रूप में मैत्रीपूर्ण मैच ड्रॉ हुआ। RSP की क्रीड़ा यूनिट द्वारा आयोजित मैच का संचालन महाप्रबंधक PHSW एवं क्रीड़ा श्री BK राउत द्वारा किया गया। सेल निगमित कार्यालय ने सेल के कर्मचारियों के लिए सेल पेंशन योजना जारी की है।
इस योजना के तहत 1 जनवरी 2017 को या उसके बाद कंपनी के रोल में नामांकित बोर्ड स्तर पर नियुक्त किए गए एवं प्रबंधन प्रशिक्षार्थी सहित सभी अधिकारी शामिल किए जाएंगे। कर्मचारियों के वर्ग में 1 जनवरी 2012 को या उसके बाद कंपनी के रोल में आने वाले संभावित रोजगार के लिए भर्ती किए गए प्रशिक्षार्थी सहित सभी कर्मचारी इस पेंशन योजना में शामिल होंगे। सेल पेंशन के लिए योग्य भूतपूर्व कर्मचारियों की सुविधा के लिए हिलव्यू सेक्टर 4 में कल यानी 4 फरवरी 2020 से शिविर लगाया जाएगा। सेल पेंशन योजना के तहत विस्तृत विवरण पूर्व कर्मचारी वेबसाइट www.sampark.salerspco.in पर देखे जा सकते हैं। सेल पेंशन के लिए योग्य भूतपूर्व कर्मचारियों को पेंशन लाभ उठाने के लिए अलग अलग चरणों में अधिकारियों के लिए 1 जनवरी 2007 से एवं कर्मचारियों के लिए 1 जनवरी 2012 से विचार किया जाएगा। पहले चरण में 31 मार्च 2013 को या इससे पहले सेवानिवृत्त हुए कर्मचारियों को शामिल किया जाएगा। भूतपूर्व कर्मचारी लाभार्थी जिनकी योजना के तहत वार्षिक भत्ता एन्युटी की खरीद की तारीख तक खाते में कुल धनराशि 2 लाख रुपये से कम है, वे एकमुश्त धनराशि में धन वापसी के विकल्प का लाभ उठा सकते हैं। नाम वापसी के मामले में उन्हें संपर्क वेबसाइट पर उपलब्ध निर्धारित प्रारूप में कार्मिक कल्याण और कैंटीन अनुभाग, प्रशासन भवन, सेल राउरकेला स्टील प्लांट या उपर्युक्त उल्लिखित शिविर में आवेदन पत्र प्रस्तुत करना होगा। इसी के साथ आज के हिंदी समाचार यहीं समाप्त होते हैं। नमस्कार।